हेलो दोस्तों, ये है MIUI 9 का इंटरफेस। ये है MIUI 9, इसको पोर्ट किया है वासिम भाई ने, और थैंक्स टू हिम पोर्ट करने के लिए। ये पोर्ट किया हुआ है हॉल डैश U19, मतलब ऑनर 3C लाइट और ऑनर होली 6 के लिए। तो चलिए देखते हैं ये रोम कैसा किया है। अभी ये जो थीम जो आप देख रहे हैं, ये है लिमिटलेस, जिसका आइकन थोड़ा सा चेंज है MIUI 8 से। और मेरा और भी दो थीम डाउनलोड किया हुआ है, जो है वेल 999 एंड येलो बी 8, तो वो उसको बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसको क्या क्या चेंज किया है और कैसे काम करता है, और इसका रैम मैनेजमेंट जो कि बड़ा ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे फ़ोन में तो 1 GB रैम है, और आप तो आपको तो पता ही होगा कि 1 GB में अभी क्या होता है, कुछ नहीं। तो इसका जो रैम मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लियर करूँगा और कितना रैम छूटेगा। अभी देखिए, क्लियर किया, अभी रैम मेरा फ्री है 370 MB, 370 MB रैम अभी फ्री है 1 GB में। वैसे मैं ये जो रोम है, इसको मैं 3 दिनों से चला रहा हूँ, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई हैंग लैग एनीथिंग कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एक ही प्रॉब्लम छोड़ के जो है इसमें डाउनलोड्स में, जब भी कोई साइज़ 1 MB के ऊपर कोई भी डाउनलोड कर रहा हूँ, तो वो एक एरर देगा कि डाउनलोड साइज रिक्वायर्स WLAN, तो वही एक प्रॉब्लम है, और उसको छोड़ के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका सभी MI 8 जैसा ही है, और इसका जो इनबिल्ट एक प्लस पॉइंट है जो इसको इसमें डाला गया है, जो स्क्रीन रिकॉर्डर इनबिल्ट है, और इसका एक्सप्लोरर में थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है। और ये देखिए, एक्सप्लोरर थोड़ा चेंज हुआ है, और इसका सिक्योरिटी मेनू जो था वो भी सही एक ही है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत आइकन्स चेंज हुआ है दिखने में जो है, वो उसको चेंज किया गया है, और थोड़ा थोड़ा सेटिंग्स में चेंज किया हुआ गया है। ये देखिए, आप इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाइए, इंस्टॉल्ड ऐप्स में जो इंटरफेस था हमारा पहले MIUI 8 में, उससे थोड़ा अलग है। ये जो राउंड ग्रीन कलर का जो सर्कल है ना, इससे ये इंडिकेट होता है कि ये जो है ये रनिंग एप्स है, ये रन कर रहा है सिस्टम में, अभी रन कर रहा है, इसलिए ये आइकन्स दिया गया है, तो ये अच्छा बात है। और कुछ वैसे चेंज किया गया नहीं है, सभी सेम ही है। मैं एक थीम लगा के आपको दिखाता हूँ। ये जो थीम है, इसको देखिए आप, थीम येलो भी। पहले क्या होता था, पहले MIUI 8 में जब हम थीम अप्लाई करते थे, उसके बाद हमको रिबूट करना पड़ता था, बाकी नहीं पड़ता था। अभी क्या होता है, अभी MIUI 9 में अप्लाई करने के बाद रिबूट विबूट की कोई झमेला ही नहीं रहा, ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा और ऐसे ही चल जाएगा। तो ये वाला जो है, इसमें देखिए एनिमेटेड थीम है, ये बहुत ही अच्छा है, इसका आइकन्स भी बहुत अच्छा है देखिए, और कोई लैग वैग नहीं है, बहुत ही स्मूथलेसली ये चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसका जो वेदर जो है वो भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और म्यूज़िक ऐप भी लगभग पूरा ही सेम है, ऑनलाइन थोड़ा कुछ दिया गया है, ऑनलाइन गाने भी सुन सकते हैं आप यहाँ से। तो अभी चलते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है, रोम है, इसको आप कैसे कहाँ से डाउनलोड करें। तो और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है, ये नया है, जब भी आप होम स्क्रीन को लेफ्ट से राइट स्वाइप करेंगे तभी ये आएगा, ये है असिस्टेंट, ये नया है,
MIUI 9 में ये नया आया है, ये असिस्टेंट है। और स्प्लिट स्क्रीन का जो फैसिलिटी है वो अभी तक नहीं आया है, ये मिस कर रहा हूँ वर्जन 7.11.16, तो अभी तक नहीं आया है, देखा जाए बाद में आ सकता है। तो चलिए क्रोम में जाइए। क्रोम में जाने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऑनर ओली 6 का जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और आप अगर चाहते हैं कि आपके फ़ोन में भी ये पोर्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपका ये फ़ोन है, ये मॉडल है, और आप चाहते हैं कि MIUI 9 का आपको लिंक मिले, तो अभी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बाद में वो डाल दूंगा। तो ये पेज है जो लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको ओपन करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। देख लीजिए ये पेज ओपन हो जाएगा। अब नीचे में जाइए, नीचे में जाकर जो क्रेडिट्स है थैंक्स टू वसीम रजा, हिनोई, मल्टी रॉम डॉट मी और Xiaomi, ये है क्रेडिट्स। और इसको ओपन करते ही आपको मिल जाएगा लिंक MIUI 9 7.11.16 जो है उसका क्लिक हेयर जो ऑप्शन है, इसको क्लिक करते ही आपको रॉम डाउनलोड हो जाएगा। और डुअल सिम प्रो ये वाला आप डाउनलोड कर लीजिए, और एक्सपोज्ड अगर आप यूज़ करते हैं एक्सपोज्ड तो यहाँ से क्लिक हेयर करके डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको डाउनलोड करने का मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जब डाउनलोड हो जाएगा तब आप MIUI 9 का जो zip फाइल है उसको आप रिकवरी में जाके फ्लैश कर सकते हैं। सिर्फ उसको ही फ्लैश करिए, और दोनों जो डाउनलोड किया आपने उसको फ्लैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप ओपन होते ही जो जब इंस्टॉल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तब उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये डुअल सिम कंट्रोल और यह है एक्सपोज कंट्रोल। डुअल सिम कंट्रोलर इस रॉम में एक खासियत है डुअल सिम कंट्रोलर से ही कि आप दोनों सिम में ही 3G यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों सिम में ही 3G यूज़ कर सकते हैं, और आप कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं सिम 1 और सिम 2, इसका फंक्शन ये है। और एक्सपोलर एक्सपोज का फंक्शन तो आप जानते ही होंगे। और जो ये zip फाइल है इसको आप इंस्टॉल फ्लैश कर करिएगा अपने रिकवरी से। और जो गैप्स है, गैप्स आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, इसमें इनबिल्ट गैप्स है और इनबिल्ट सुपर यूज़र इनबिल्ट है, प्रीलोडेड है, तो कोई सुपर यूज़र का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और गैप्स का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये आपको आता है, ये आपको आ जाएगा 461 MB में, 461 MB है इसका साइज़। तो चलिए फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, गुड बाय।